नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपने नए घर के बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कपल अपनी शादी की सालगिरह पर अपने नए घर के कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए पहुंचा था। मुंबई के बांद्रा स्थित इस घर का काम जोरों शोरों से चल रहा है। खबर ये सामने आ रही है कि इस साल के आखिर में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का ये घर बनकर के तैयार हो जाएगा और वो दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का ड्रीम होम का काम प्रोग्रेस में है। इस साल के आखिर में यानी कि दिसंबर या फिर साल 2024 के जनवरी तक ये दोनों यहां अपने नए आशियाने में शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्डिंग का बाउंड्री वॉल बनना बाकी है, वहीं इंटीरियर का काम शुरू हो चुका है। एक सोर्स की माने तो जब से इंटीरियर का काम शुरू हुआ है तब से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की माँ नीतू कपूर का बिल्डिंग में आना जाना ज़्यादा बढ़ चुका है। इस बंगले को ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने साल 1980 को खरीदा था। इसके बाद इसे गिरा करके अब नए तरीके से बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ। इस बंगले का नाम कृष्णा राज है, जो ऋषि कपूर के पेरेंट्स के नाम पर रखा गया है। घर का काम थोड़ी देरी से शुरू हुआ क्योंकि सेशन क्लियर होने में वक्त लगा था। एक रिपोर्ट की माने तो घर तैयार होने के बाद रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, बेटी राहा कपूर और रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर तुरंत ही इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि इस घर में एक स्विमिंग पूल के साथ साथ ऑफिस फ्लोर भी होगा। इसके एक फ्लोर पर नीतू कपूर रहेंगी, दूसरे फ्लोर पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी बेटी राहा के साथ रहेंगी। वहीं रणबीर कपूर की बहन रिधिमा कपूर भी अक्सर फैमिली से मिलने के लिए आती रहती हैं, इसीलिए उनके लिए भी एक फ्लोर होगा।